प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर मैं सी एस सिंह एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि जब समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी भी बराबर होता है और प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्व उल्टा अर्थात लेटरली इन्वर्टेड होता है। पिछले क्लास में एक बात हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कभी समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाएगा वह हमेशा काल्पनिक बनाएगा या कभी वास्तविक भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो जवाब में हम लोगों ने कहा था हाँ बन सकता है, और वह कब, जब प्रकाश की किरणें जो समतल दर्पण पर टकरा रही हैं वह आपकी अभिसारी हो यानी कन्वर्जिंग हो। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या समतल दर्पण किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, क्या समतल दर्पण किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण का प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकता है, और अगर बना सकता है तो वो स्थिति, वो सिचुएशन क्या होगा। तो इसका भी आंसर होगा हाँ, आंसर होगा हाँ, लेकिन किस स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण को आपने हॉरिजॉन्टली रख दिया, क्षैतिज रख दिया, यानी किसी टेबल पर रख दीजिए, और उस टेबल के ऊपर आप किसी वस्तु को रख दीजिए इस पोजीशन में, ऐसे मतलब खड़ा करके रख दीजिए। जब यह खड़ा करके रख दीजिएगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका इमेज बनेगा ऐसा, इस टाइप का इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा इसका, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेन मिरर पे आपने रखा है इस टाइप से, इसको अपराइट पोजीशन कहते हैं, सीधा खड़ा करके रखे, और इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये इमेज क्या बना, यहाँ पर इमेज जो है वो उल्टा बना। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना सकता है, लेकिन ये प्रतिबिंब उल्टा तब बनेगा जब आप इस वस्तु को अपराइट पोजिशन पर यानी दर्पण पर खड़ा करके रख दीजिएगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तब बनाता है जबकि प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराने वाले अभिसारी हों, और उल्टा प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु को इस दर्पण पर इस तरह से खड़ा करके रखा जाए। तो ये तो समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन का हम लोग बात कर रहे थे। अब इससे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आता है, उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए कि यदि वस्तु और समतल दर्पण, यदि वस्तु और समतल दर्पण दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्स मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है कि यदि वस्तु और समतल दर्पण दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्स मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया एक्स मीटर, ऑप्शन दे दिया 2x मीटर, ऑप्शन दे दिया 3x मीटर, ऑप्शन दे दिया 4x मीटर। अब इसमें अंदाज से नहीं आंसर बताना है, अब इसको आंसर को सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन है कि वस्तु और समतल दर्पण दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्स मीटर विस्थापित किया गया, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है और एक वस्तु है,
दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित करना है, तो विस्थापित तो तब न कीजिएगा जब आपको पता है वस्तु कहाँ है। तो आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी आपको मन है। हम वस्तु को बिल्कुल सटा के रख दिए, मान लो बिल्कुल सटा के रख दिए, सबसे आसान वाला केस होता है, इसलिए बता दिए। आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं, यहाँ भी रख के देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पहले यहाँ रखा था तो इसको वन कर देते हैं, ये मिरर पहले यहाँ था तो ये कर देते हैं। तो अगर मिरर को साथ ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सटा करके रखा गया है, मतलब वस्तु दर्पण के साथ बिल्कुल संपर्क में रखा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब बिल्कुल सट करके बनेगा। तो यह प्रतिबिंब बना, इसको हम कर देते हैं आई वन। वस्तु को दर्पण से बिल्कुल सटा करके रखे, प्रतिबिंब भी दर्पण से बिल्कुल सट करके बना। अब क्वेश्चन है कि वस्तु और समतल दर्पण दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्स मीटर विस्थापित करना है। तो वस्तु को हम एक्स मीटर पर स्थापित कर दिए, मान लीजिए वस्तु को हम यहां अब ले आए, तो ये ऑब्जेक्ट का सेकंड पोजीशन हो गया, कितना विस्थापित किया, एक्स मीटर, ये एक्स मीटर विस्थापित हुआ। और दर्पण को भी विस्थापित करना है, क्योंकि कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे के, तो दर्पण को भी विस्थापित करना है विपरीत दिशा में। तो अगर वस्तु को इधर किए तो दर्पण का विपरीत दिशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग दर्पण को भी एक्स मीटर विस्थापित कर दिए, तो ये अब हो गया दर्पण। अब ये दर्पण हो गया M2 पोजीशन, पहले दर्पण यहां था, x मीटर विस्थापित कर दिए, ये हो गया आपका x मीटर, मान लीजिए ये x मीटर विस्थापित कर दिए, यहां भी था x मीटर विस्थापित हुआ वस्तु। अब देखिए वस्तु यहां आ गया, दर्पण यहां आ गया, तो वस्तु और इस दर्पण के बीच का दूरी कितना हो गया, एक्स ये और एक्स ये, यानी टोटल दूरी कितना हो गया, टू एक्स। वस्तु और दर्पण के बीच का दूरी हो गया टू एक्स। तो अब इस दर्पण से इस वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, 2x दूरी पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखिएगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना दूरी पर बनेगा। तो दर्पण यहां पर है, वस्तु यहां है, तो ये दूरी है जब 2x, तो प्रतिबिंब भी तो 2x दूरी पर बनेगा इस दर्पण से, यानी प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, यह हो गया आपका आई टू। और यह दूरी कितना हो गया, 2x। ये वस्तु है, यह दर्पण है, ये दोनों दूरी, दोनों के बीच का दूरी 2x है, इसलिए प्रतिबिंब भी इस दर्पण से 2x दूरी पर बनेगा। तो पहले प्रतिबिंब कहां बन रहा था, यहां पर, अब कहां पर बन रहा, यहां पर। तो प्रतिबिंब का विस्थापन कहां कितना हुआ, यहां से यहां आ गया, तो x ये और 2x ये, तो कितना हो गया, 3x। यानी अगर क्वेश्चन पूछे प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, तो जवाब देंगे कि प्रतिबिंब का विस्थापन होगा x प्लस 2x, यानी कितना हो गया, 3x मीटर। ये हो गया प्रतिबिंब का विस्थापन। तो ये क्वेश्चन था जो आ सकता है। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा रहता कि अगर सिर्फ वस्तु को विस्थापित किए तो प्रतिबिंब कितना विस्थापित होगा, या केवल दर्पण को विस्थापित किए तो कितना होगा, तो देखिए अगर केवल वस्तु को विस्थापित करते हैं, मतलब दर्पण यही रखते हैं, वस्तु को विस्थापित करते हैं, तो वस्तु और दर्पण के बीच का दूरी कितना होता, x। सिर्फ वस्तु को विस्थापित करते हैं, दर्पण को नहीं, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनता, x दूरी पर इस दर्पण से, क्योंकि दर्पण को तो विस्थापित किया नहीं, तो इस स्थिति में विस्थापन कितना होता, एक्स हो जाता। अगर यही क्वेश्चन में वस्तु को स्थिर रखकर केवल दर्पण को विस्थापित करते तो भी वस्तु और दर्पण के बीच का दूरी कितना होता, एक्स, तो फिर प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होता, x। यानी अगर केवल वस्तु या केवल दर्पण को विस्थापित किया जाएगा तो प्रतिबिंब का विस्थापन x ही होगा, लेकिन अगर दोनों को विस्थापित करोगे तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, 3x होगा। अब क्यों 3x होगा, यह पूरा हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यह क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बन रहा था कि समतल दर्पण और वस्तु के बीच की जितनी दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बीच का भी दूरी होता है। तो चलिए ये बात तो आप लोग समझ गए, अब आगे का बात करते हैं। यहां पर एग्जाम में समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स या कुछ प्रमुख जानकारी के बारे में भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, तो कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना है। तो अगला जो हम लोग का पॉइंट है वह है समतल दर्पण से संबंधित प्रमुख तथ्य, समतल दर्पण से संबंधित प्रमुख तथ्य। अब ये समतल दर्पण से संबंधित प्रमुख तथ्य में 6-7 तथ्य ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला बात है कि
एक व्यक्ति को अपना पूरा लंबाई देखने के लिए, मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है और उसमें एक आदमी चाहता है कि अपना पूरा लंबाई देखे, मतलब सिर से लेकर बिल्कुल पैर तक देखे, तो एक व्यक्ति को समतल दर्पण में अपने पूरी लंबाई देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वह व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई आवश्यक है, दर्पण की न्यूनतम लंबाई, आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, दर्पण की न्यूनतम लंबाई बराबर व्यक्ति के लंबाई की आधी, व्यक्ति के लंबाई की आधी। कब, किस स्थिति में? अगर व्यक्ति इस समतल दर्पण में अपना पूरा शरीर देखना चाहता है सिर से लेकर पैर तक, तो जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई आवश्यक होगी वह व्यक्ति के लंबाई का जो होगा वह आधा होगा। मतलब 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट का दर्पण चाहिए, या अगर मान लीजिए 2 मीटर का आदमी है तो 1 मीटर का दर्पण चाहिए। अब आप ये सोचिएगा कि ये बात कैसे सत्य है। तो पहले तो ये तथ्य आप याद रखिए कि एक व्यक्ति को दर्पण में अगर अपना पूरा बॉडी पार्ट्स देखना है, सिर से लेकर पैर तक देखना है, तो जो व्यक्ति का लंबाई होना चाहिए, सॉरी, जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कम से कम वह होना चाहिए व्यक्ति के लंबाई का आधा। तो यहाँ पर एक बात आता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण में तो सर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, तो जब समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा तो फिर आधा ही लंबाई वाला दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक बात समझिए कि कोई भी दर्पण जो होता है, कोई भी दर्पण, दर्पण का छोटा सा भी अंश है, छोटा कांच का भी छोटा सा दर्पण है, तो वह क्या करता है कि पूरा इमेज बनाता है, पूरा इमेज। लेकिन हम लोग केवल उसी पार्ट को देख पाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक पहुंचाता है। दर्पण का छोटा से छोटा अंश भी पूरे कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है, लेकिन हम लोग केवल उस पार्ट को देख पाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक पहुंच पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दर्पण बड़ा है तो जो प्रतिबिंब होगा वह ज्यादा स्पष्ट बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमेज बनेंगे और इनका सुपरपोजिशन होगा, मतलब क्या, अध्यारोपण होगा। अब मान लीजिए छोटा छोटा कई, आप दर्पण, एक बड़ा सा दर्पण है उसको आप छोटा छोटा कई अंश मान लीजिए, सब में एक एक इमेज बन रहा है और सब ओवरलैपिंग करे, सब सुपर इम्पोज करे, सब अध्यारोपित हो, तो इससे क्या होगा, इमेज ज्यादा स्पष्ट बनेगा। दर्पण का छोटा अंश भी कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है, लेकिन हम लोग केवल वही पार्ट देख पाते हैं जितना, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में पहुंच पाता। तो दर्पण का छोटा अंश भी कंप्लीट इमेज बना रहा है, इसका मतलब है कि अगर बड़ा दर्पण है तो उसमें छोटे छोटे दर्पण के ज्यादा नंबर्स होंगे और वो ज्यादा इमेज बनाएगा, सुपर पोजिशन से ज्यादा स्पष्ट बनेगा। तो एक फैक्ट यहां पर और आ गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि बड़ा दर्पण का यूज कीजिएगा तो प्रतिबिंब ज्यादा स्पष्ट बनेगा, छोटा दर्पण का यूज कीजिएगा तो प्रतिबिंब कम स्पष्ट बनेगा। बड़ा दर्पण का में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ज्यादा स्पष्ट बनता है और छोटा दर्पण में उतना ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि बड़ा दर्पण में कई इमेज जो होते हैं वो ओवरलैप करके ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, तो यहां पर तो ये बात हुआ, अब यहां पर है कि दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए एक फिगर है और इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि आदमी का टॉप में हेड है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए तो आई है और सबसे नीचे आइए तो लेग है। हेड से लाइट रिफ्लेक्ट कर, हेड से लाइट जो है वह मिरर के ऊपरी हिस्से पर टकरा रहा है और मिरर के दर्पण के ऊपरी हिस्से पर टकरा करके दर्पण से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच रहा है आदमी के आंख में। उसी प्रकार लेग से जो लाइट दर्पण पर टकरा रही है वह दर्पण के निचले हिस्से से टकरा करके पहुंच रही है मनुष्य के आंख में। और इस प्रकार इस फिगर में आप देख रहे होंगे एंगल आई बराबर एंगल आर के कंसेप्ट से कि हेड से आई तक देखने के लिए दर्पण का आधा हिस्सा चाहिए और आई से लेकर लेग तक देखने के लिए भी जो लंबाई है उसका आधा चाहिए। मतलब क्या हुआ, आदमी के टोटल लंबाई का आधा। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति अगर दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए व्यक्ति के लंबाई की आधी।
फिर से समझ लीजिए, अगर 6 फीट का आदमी है तो पूरा उसको सिर से पैर तक देखना है तो 3 फीट का दर्पण चाहिए। नंबर एक। अब आइए दूसरा केस, दूसरा फैक्ट इसमें, समतल दर्पण से संबंधित प्रमुख तथ्य पढ़ रहे हैं। तो पहला हो गया कि दर्पण का लंबाई क्या चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई का आधा चाहिए। दूसरा, अगर एक व्यक्ति अपने पीछे की दीवार, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कमरे में है और वह उसके पीछे कोई दीवार है और उस कंप्लीट दीवार को वह दर्पण में देखना चाहता है, तो इस स्थिति में दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को दर्पण में अपने पीछे की पूरी दीवार अगर देखनी हो तो इस केस में दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए दीवार के हाइट का, यानी दीवार के ऊंचाई का 1/3, दीवार के ऊंचाई का 1/3। और यह भी उस स्थिति में जब व्यक्ति तथा व्यक्ति कमरा के या रूम के मध्य में खड़ा हो, रूम के मध्य में खड़ा हो। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पीछे की दीवार को कंप्लीटली दर्पण में देखना चाहता है तो उस स्थिति में दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वह दीवार के ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए। और इसके लिए उसको कंप्लीट अगर इमेज देखना है तो व्यक्ति को रूम के बिल्कुल मध्य में, यानी सेंटर में खड़ा होना होगा, बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होना होगा। अब यहां पर एक फिगर आप देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि पीछे एक दीवार है हाइट एच का और सामने की दीवार पर एक दर्पण लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि आदमी बिल्कुल बीच में खड़ा है, उसका आई का पोजीशन बता रहा है, बिल्कुल कमरा के बीच में है और लाइट दीवार के ऊपरी और निचले हिस्से से टकरा करके आदमी के आंख में प्रवेश कर रही है। दीवार के ऊपरी हिस्से से जो प्रकाश टकरा रहा है, दीवार के ऊपरी हिस्से से जो प्रकाश आ रहा है वह दर्पण के ऊपरी हिस्से से टकरा करके आदमी के आंख में प्रवेश कर रहा है और दीवार के निचले हिस्से से जो प्रकाश आ रही है वह दर्पण के निचले हिस्से से टकरा करके आंख में प्रवेश कर रही है। और इस स्थिति में स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई चाहिए वह दीवार के ऊंचाई का 1/3 चाहिए। तो यहां पर दो बात देखिए, व्यक्ति के लंबाई का आधा चाहिए कब, जब आदमी को अपना पूरा लंबाई दर्पण में देखना हो, और दीवार की ऊंचाई का 1/3 कब चाहिए, जब दर्पण की न्यूनतम लंबाई दीवार की ऊंचाई का 1/3 तब चाहिए जब व्यक्ति अपने पीछे की दीवार को दर्पण में पूरा देखना चाहता है। तो ये दो केस है, दोनों केस को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। अब तीसरा केस क्या कहता है ये देखिए, तीसरा केस कहता है कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर एक्स मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हो, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर एक्स मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा हो तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में 2x मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और यहां पर उसका इमेज बन रहा है भी। अब व्यक्ति अगर समतल दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा, यानी व्यक्ति दर्पण की ओर जा रहा है, तो फिर प्रतिबिंब भी तो दर्पण की ओर आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि वस्तु का और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी क्या होता है, बराबर। तो अगर वस्तु दर्पण की ओर x वेग से दौड़ेगा तो प्रतिबिंब भी तो दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब कितना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाइए और देखिए कि दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है तो आपेक्षिक चाल या सापेक्षिक चाल जो आप कहते हैं वह दोनों का सम होता है, यानी एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x मीटर पर सेकेंड। तो यह पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप रोक सकते हैं, माने कि रोक करके आप नोट कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर एक्स मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है तो इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होता है। और यहां पर कंसेप्ट क्या है, दोनों का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वेग का जो दिशा है,
एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत होने पर सापेक्षिक जो वेग होगा वह दोनों का वेग का योग होगा और इसलिए इस आदमी को अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे भी सोचिए, अगर आदमी एक स्टेप इधर बढ़ता है तो इसका इमेज भी एक स्टेप इधर बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का स्टेप कितना से रिड्यूस हो गया, दो स्टेप रिड्यूस हो गया। एक स्टेप अगर मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट है, यह इमेज है, अब यह अगर x स्टेप इधर गया तो ये x स्टेप इधर आया, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रिड्यूस हुआ, 2x। इसका मतलब कि स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड, ये होगा 2x मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक फैक्ट था। फैक्ट नंबर तीन, आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होता। अब आइए पॉइंट नंबर चार। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। कैसे, इस चीज को समझिए। देखिए, मान लीजिए यह आपका एक समतल दर्पण है और यह आपतित किरण है, इस समतल दर्पण पर टकराया। मान लो ये जिस बिंदु पर टकराया वो बिंदु आपतन बिंदु हो गया, ये ओ मान लो, और यहीं पर आपका एक अभिलंब होगा नॉर्मल जो कि दर्पण के लंबवत होगा। अब एंगल आई बराबर जीरो है क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल कितना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल जीरो डिग्री है, तो आपतन कोण जीरो तो परावर्तन कोण भी जीरो, इसलिए परावर्तित किरण ऐसे चलाए। तो समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण टकराई और वापस लौट आई। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आपतित किरण को स्थिर रखिए। देखिए, ये आपतित किरण है, ये समतल दर्पण है। अब इस आपतित किरण को आपको स्थिर रखना है और समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाना है। आपतित किरण को नहीं घुमाना है, किसको घुमाना है, समतल दर्पण को। तो जब समतल दर्पण ऐसा है, इसको थीटा कोण से घुमाइएगा तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। पहले ये था मिरर M1, अब ये हो गया मिरर M2। कितना एंगल से आपने घुमाया, थीटा एंगल से। जब मिरर को आप थीटा एंगल से घुमा दीजिएगा, समतल दर्पण को जब आप थीटा कोण से घुमा दीजिएगा तो अभिलंब भी तो थीटा कोण से घूम जाएगा। देखिए, मान लो ये समतल दर्पण है, ये इसका अभिलंब है। अब अगर आप इसको घुमाते हो थीटा एंगल से तो देखिए अभिलंब भी थीटा एंगल से घूम रहा है। अब ये हाथ ऐसे है, अब इसको 90 डिग्री कर दिया तो अभिलंब भी देखिए 90 डिग्री से घूम गया। इसका मतलब इसका अभिलंब भी कितना डिग्री से घूम जाएगा, थीटा एंगल से। तो अब ये हो गया नया अभिलंब, इसको हम कहेंगे N2। यह अभिलंब पहला था तो N1, ये N2। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण तो वही है, अभिलंब घूम गया, इसलिए अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अभिलंब कितना घूमा था, थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। यानी अब आपतित किरण और अभिलंब एक दूसरे से थीटा डिग्री का कोण बना रहे, तो आपतन कोण कितना हो गया, थीटा। जब आपतन कोण थीटा हो गया तो परावर्तन कोण कितना हो गया, थीटा। ये परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तन कोण थीटा। तो पहले जब दर्पण सीधे था, ऐसे रखा हुआ था, तो परावर्तित किरण ऐसे जा रहा था। अब जबकि दर्पण थीटा कोण से हम घुमा दिए तो परावर्तित किरण ऐसे जा रहा है। इसका मतलब परावर्तित किरण कितना एंगल से घूम गया, परावर्तित किरण एंगल से जो घुमा वह है 2 थीटा। याद रखिएगा, अगर आपतित किरण को स्थिर रख करके समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, आपतित किरण को स्थिर रख करके समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। तो यह हुआ एक पॉइंट, ये जिसको आपको याद रखना है कि यदि आपतित किरण को स्थिर रख करके समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। एक और पॉइंट देखिए, जब आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराती है, अगला पॉइंट देखिए, जब आपतित किरण, ये पॉइंट नंबर 5 होगा, जब आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराती है। देखिए, ये आपतित किरण है और ये समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराया, यह थीटा आपतन कोण से, तो कहता है परावर्तन के बाद इसमें जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, वह होता है 180 - 2 थीटा। यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद यह 180 - 2 थीटा कोण से विचलित हो जाएगा। इसका मतलब परावर्तित किरण ऐसे गया, यह भी एंगल कितना होगा, थीटा, एंगल आई बराबर एंगल आर।
अगर यह दर्पण नहीं रहता तो प्रकाश के किरण तो सीधे निकल जाते, यानी प्रकाश का किरण का ओरिजिनल डायरेक्शन यह है, लेकिन क्योंकि दर्पण है इसीलिए रिफ्लेक्ट होकर के यहां गया, ऐसे चला गया, तो एक्चुअल में जा रहा था ऐसे, परावर्तन के कारण जाने लगा ऐसे, तो जो डेविएशन हुआ, जो विचलन हुआ, वो तो ये एंगल हुआ। ये एंगल कितना होगा? देखिए ये पूरा एंगल कितना है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, और ये एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये एंगल डेल्टा हो गया, और ये डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 2 थीटा। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको याद रखिए कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराती है तो परावर्तन के बाद यह 180 माइनस 2 थीटा कोण से विचलित हो जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 7, जब दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुके हों, तो इस स्थिति में इनके बीच रखे किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर M1, एक प्लेन मिरर M2। इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये सरफेस और ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर वाला सतह और इधर वाला सतह पॉलिश्ड सरफेस है। तो अगर इन दोनों के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुके हो तो इनके बीच रखे किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच कोई वस्तु रखा हुआ है तो कितना प्रतिबिंब मैक्सिमम बन सकता है, मैक्सिमम कितना बन सकता है? देखिए दिखाई कितना देगा वो तो डिपेंड करेगा कि आपका पोजीशन क्या है, लेकिन मैक्सिमम कितना प्रतिबिंब बनेगा ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए आज सीख लेते हैं। तो जब दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुके हों तो इनके बीच रखे किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम करेंगे कि आप 360 बाई थीटा से n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 360 बाई थीटा से n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब थीटा का वैल्यू मान लीजिए 20 डिग्री है तो 360 बटा 20 18 हो गया, या थीटा का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है तो 360 बटा 30 12 हो गया, तो n का मान 12 13 जो भी आपका आ रहा है कैलकुलेट करने पर वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको 360 बाई थीटा से n का मान निकालना है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ये देखिए। नंबर एक, अगर n, इफ n इज इवन नंबर, अगर n एक सम संख्या है, एग्जाम्पल से देखिए, अगर 360 बटा 30 डिग्री रहता इन दोनों के बीच का एंगल, सपोज कर लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 360 बटा 30 कितना होता? 12। और 12 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना मैक्सिमम बनेगा? तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू एन माइनस वन, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा एन माइनस वन, यानी कि अगर 12 इमेज आपने 12 सॉल्व करने पर लाया तो 12 माइनस एक कितना हो जाएगा? 11। तो पहला केस है कि अगर n विषम, सॉरी n अगर सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या n माइनस वन से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा नंबर, इफ n इज ऑड नंबर, अब मान लीजिए कि n जो है वह ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब हो गया विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर 360 बटा सपोज कर लीजिए कि 72 डिग्री है, एंगल यहाँ पर 72 डिग्री है, तो जब एंगल 72 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 360 बटा 72 यानी 5। अब 5 क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इस केस में अगर n ऑड नंबर है तो अब इसमें दो केस आता है। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर लाइन, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर लाइन, यानी अगर वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर नहीं रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर लाइन कौन सा हो गया? बिल्कुल बीच वाला, ये वाला लाइन। ये लाइन क्या कर रहा है? एंगल को दो भाग में बांट रहा है। ये पूरा एंगल कितना था? 72। तो इसका हाफ कितना हो गया? 36 डिग्री, और ये 36 डिग्री। तो इधर से भी ये हो गया 36 डिग्री, इधर से भी हो गया 36 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट अगर इस एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है,
यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? अगर n ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है, तो इस केस में याद रखिएगा नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू होगा n। यानी अगर यहां पर पांच आ रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितने हो गई? पांच हो गए। तो ये अगर ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है। इसमें आता है केस बी, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन या इज ऑन एंगल बाइसेक्टर लाइन। अगर ऑब्जेक्ट को आपने एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रख दिया, एन ऑड नंबर भी है और ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रख दिए, मतलब कि यहां पर रख दिए या यहां पर रख दिए या यहां पर रख दिए या यहां पर रख दिए, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वह हो जाएगा एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब कितना हो गया? मान लीजिए कि पांच है तो पांच माइनस एक हो गया चार। तो ये तीन केस हो गया। वैसे बताए तो दो केस में है, दो केस का दो पार्ट है। अगर n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज n माइनस वन, अगर n ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज n होगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रखा है तो n माइनस वन होगा। अब अगर इस केस में अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मान लो कह दिया दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इनके बीच रखे किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये भी नहीं कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर लाइन पे है, ये भी नहीं कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मान करके चलना है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है। मतलब जब क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर लाइन स्पेसिफाई करेगा तभी इसका यूज करना है। एक और बात, इवन नंबर के केस में एंगल बाइसेक्टर लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हर केस में अगर इवन आ रहा है तो एक घटाना है, ऑड आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो नहीं घटाना है, एंगल बाइसेक्टर लाइन पर रखा है तो फिर घटाना है। इसमें एक और केस आएगा, अगर n जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी एक कंप्लीट नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है कहने का मतलब, सपोज कर लीजिए कि आपको वैल्यू सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए 360 बटा एंगल दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए आपका 50 डिग्री, तो इस केस में कितना आ जाएगा? इस केस में आ जाएगा 7.2। तो ये कंप्लीट होल नंबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में पॉइंट के लेफ्ट वाले जो नंबर्स होंगे वही आंसर होगा। जैसे 7.2 आ जाए या 11.4 आ जाए या 8.003 आ जाए, 9.424 आ जाए या 11.001 आ जाए या 10.999 आ जाए, तो यहाँ कहीं कंप्लीट, यहाँ पर कहीं पर राउंडिंग का कंसेप्ट नहीं यूज करना है, कोई राउंडिंग का कंसेप्ट नहीं है, और कुछ भी नहीं देखना है कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है कि क्या आ रहा है। अगर 7.2 आया सॉल्व करने पर तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 7। अगर सॉल्व करने पर 11.4 आया तो इमेज का नंबर कितना हो गया? 11। अगर 8.003 हो गया तो नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा? 8। अगर 360/थीटा से 9.424 आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 9। इसी प्रकार इस केस में हो जाएगा 11 और इस केस में हो जाएगा 10। यानी कि अगर n एक कंप्लीट नंबर नहीं है तो पॉइंट के लेफ्ट वाला जो नंबर होगा वही नंबर ऑफ इमेजेस होगा। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी में। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बाकी है जिसको अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।